नमस्कार दोस्तों, सभी ग्रामवासियों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध एवं अपील है कि इस कोरोना वायरस से लड़ने की जो गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा जारी की गई हैं उनका पालन करें। तथा मैं आपको एक जनरल थोड़ा सा कोरोना वायरस की अपडेट बताना चाहूँगा, जो अभी तक इस कोरोना वायरस से पूरा विश्व के कम मैक्सिमम 155 देश के अप्रॉक्सीमेटली इससे अफेक्टेड हो चुके हैं। जो अभी लेटेस्ट अपडेट है आज की, इसमें से 452,168 लोग जो पूरे विश्व में कोरोना वायरस की चपेट में हैं, जो हमारे भारत में जो प्रधानमंत्री जी ने कड़े कदम उठाए हैं उनका समर्थन करना तथा हमें उनका सहयोग और अपनी जान आपस में बचाना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो एक ऐसी भयावह महाबीमारी है जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको एक महामारी घोषित कर दिया गया। जैसे कि महामारी तो आप समझते हो, महामारी मतलब ये है कि जब मृत्यु दर यानी कि मरने वालों की संख्या और रोगियों की संख्या ज़्यादा बढ़ तरीके से या ज़्यादा तेज तरीके से फैलती है तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े लोगों से, बड़े डॉक्टरों से, अदर कंट्रियों की सिचुएशन देखते हुए, उनको देखते हुए तो कोरोना वायरस से सिर्फ अभी 21 दिन का ही लॉकडाउन यानी कर्फ्यू, कर्फ्यू मतलब समझते हो आपकी कोई मूवमेंट नहीं, कोई नहीं, जो बिल्कुल ही आपातकालीन, जिससे कि हमें बीमारी या कोई इमरजेंसी या हमारा परिवार का कोई सदस्य बीमार है, घर में खाने का नहीं, राशन नहीं, मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है, तो हमें तभी ऐसा कदम उठाना है। और इसकी जो डिस्टेंसिंग आपको बताई गई है कि कम से कम एक व्यक्ति से 1 मीटर तथा अपना मास्क पहनना कोई सभी को जरूरी नहीं। अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं जैसे जुखाम खांसी, क्योंकि क्लाइमेट भी ऐसा चल रहा है इस समय, तो उस पर हमें अपने आप को बचाना है ताकि जो हमारा जुखाम है, जुखाम का मतलब क्या है, जुखाम आदमी की जैसे आपने सुना होगा इम्यूनिटी पावर मतलब शरीर की रोधक रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारे शरीर से हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी नॉर्मल बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो है। और जैसा कि कहते भी हैं लोग कि ये ज़्यादा टेम्परेचर में ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, शरीर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा आपकी चीज़ों का सेवन नहीं करना, जैसे कि गर्म पानी का इस्तेमाल करना है एवं अपने शरीर को व्यायाम रहित करना है, कि जो बहुत सारे लोग हैं जो घरों के अंदर हैं बैठे बैठे शांत आराम से है, तो कुछ समय निकाल के अपना घर के अंदर ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही इसका एक मनोरंजन के तहत अपने शरीर में कोई छोटे मोटे गेम्स, फिजिकली गेम्स, कूद या फिजिकल्स, बाबा रामदेव जी के योगाओं का पालन करो, श्वास, और जो मेरे बुजुर्ग एवं किसान भाई हैं उनको भी मैं अवगत कराना चाहूँगा कि मेरे को भी पता है कि भाई किसान का इस समय मौसम भी बड़ा ख़राब चल रहा है, डेली बादल और ऐसी समस्याएं आ रही हैं, अगर उन पे हमारी फसल खड़ी हुई है काटने के लिए तो कम से कम रहें, और अगर जा भी रहे हैं तो मेरा तो यही सुझाव है कि जब इतनी बड़ी क्राप आपत्ति या विपत्ति आई हुई है देश के ऊपर या अपने गांव मोहल्ले के ऊपर, या अगर हमारी एक गलती पूरे गांव या अपने परिवार या शहर या पूरे देश को बर्बाद कर सकती है, तो सीधा जैसे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन अपने 24 तारीख को शाम 8 बजे जो देश को संबोधित किया था, तो उन्होंने कहा था एक वर्ड आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, तो मैं उनकी बात अपने माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जान है तो जहान है, अगर हम रहे तो ये सारी चीज़ें हम फिर से कर लेंगे। हमारा 21 दिन का मतलब क्या है, 21 दिन जो ये है क्या है, ये जो इसका फैलने का सिस्टम क्या है, ये एक आदमी को अपना माध्यम बना रहा है, जिसके ऊपर जा रहा है उससे फिर दूसरे के ऊपर जा रहा है, तो हमारा ये मतलब है कि जिनको हो चुका है, अब जिनको नहीं हुआ है तो कम से कम वो सेफ रहें, और बाकी जिनको हो गया है तो हमारे डॉक्टर भाई एवं पुलिस प्रशासन बहुत ही जोरों तोरों से बचाव में लगा है, कम से कम उनका ही इलाज मुमकिन हो सके। अगर एक साथ हमारी व्यवस्था आप लोगों को पता ही है, एक साथ अगर पूरा देश ही बीमार पड़ जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, ना तो अस्पतालों में जगह मिलेगी ना ही घरों में, फिर
ऐसा जैसे अभी आप लोगों ने चीन का स्थिति देखी थी कि एक साथ लगातार 8 दिन में 1-1 हजार लोग आदमी डेली मर रहे हैं, यानी कि मृत्यु दर और बीमारी की दर बढ़ रही है, तो महामारी से अवगत हैं। जैसे कि महा मतलब तो जानते हो कि बहुत बड़ी मारी, मतलब मर जाना या मरने की स्थिति में आ जाना। ऐसा मेरा आप सभी से फिर एक बार आग्रह एवं अनुरोध है कि आप सब मिलकर आपस में दूरी बनाएं। जैसे कि मेरा सुझाव है कि सोशल मीडिया और अपना टेलीफोन से कोई भी बातचीत करना है, कोई जरूरी नहीं है मिलना। वैसे भी हम नहीं मिलते, अभी देखा गया होगा कि लोग कह रहे थे कुछ दिन पहले कि सोशल मीडिया का बड़ा दुष्प्रभाव है, लोग आपस में बात नहीं कर रहे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि आपको जागरूक करना पड़ रहा है कि आप सोशल मीडिया से, सबके पास आजकल टेलीफोन सुविधा है, तो कोई भी इमरजेंसी काम है ये किसी को टेलीफोन की सुविधा के द्वारा बताओ और रखो और एक दूसरे की मदद करो। जैसा कि अगर मेरे पास कोई आइटम नहीं है, किसी दूसरे के पास अपने पड़ोसी 2 किलोमीटर में है, 5 किलोमीटर में है, तो भीड़ मत बताओ, उसको फोन करके बताओ कि भाई ये सामान मेरे पास नहीं है, उसको इस जगह रख दो, और उसको फिर आप जाके फिर उसको उठा के ले आओ। तो इससे क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगी और एक दूसरे की हम भलाई भी कर सकते हैं। जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं उनकी हो सके तो कम से कम जितनी अपने कैपेबल हैं अपनी स्थिति के अनुसार उनकी मदद करने की कोशिश की जाए। और मैं आप सभी को यही कहूँगा कि कम से कम अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें। जैसे कि सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर कोई जरूरी नहीं है और मार्केट में मिल भी नहीं रहा। सैनिटाइजर क्या है कि जहाँ पे पानी की सुविधाएं वगैरह नहीं है तो इंस्टेंट हाथ धोने के लिए वो इस्तेमाल में किया जाता है। तो हमें क्या करना है, अपना हाथ कहीं बाहर गए या हमने किसी चीज को छुआ, जैसे वस्तु, दरवाजा, गेट और ये पेन या किसी का मोबाइल या किसी की पर्सनल चीज, तो किसी की एक दूसरे की इस्तेमाल ही मत करें या दूसरे की छुएं ही ना। इसमें क्या है, इस बीमारी से सिर्फ बचाव हुई है, अभी तक कोई भी उपचार इसके अमल में नहीं आया। अभी सिर्फ इसकी जांच की ही किटें प्रोवाइड हो पा रही हैं, वो भी बहुत प्रोसीजर थोड़ा फॉलो हो रहा है, जो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हमारे देश के वैज्ञानिक्स एंड डॉक्टर्स लगे हुए हैं इस कोरोना वायरस यानी कि इस महामारी से निपटने के लिए कि जल्द से जल्द कोई वैक्सीन तैयार की जाए जिससे सभी को सुखदायी एवं आराम पहुंचे। जय हिंद।